कन्नौज, खाना बनाते समय सिलेंडर हुआ लीकेज, लगी आग, मचा हड़कंप। घर से भागकर बचाई जान, स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, आग बुझाने में हुई नाकाम। कुछ देर बाद एजेंसी कर्मी ने अग्निशमन यंत्र से आग पर पाया काबू। मामला गुरसाईगंज कोतवाली के समदर नगर पंचायत के आजाद नगर मोहल्ले का। कन्नौज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़े अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की गिरफ्त में आया साथी चोरों का यह गिरोह प्रदेश सहित एमपी, राजस्थान, हरियाणा व कई राज्यों में अपना जाल फैलाया था। गिरोह का सरगना नकली कागज तैयार कर एक राज्य का ट्रैक्टर दूसरे राज्य में बेचने में माहिर है। पकड़े गए गिरोह के पास से 6 चोरी के ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, जो बनारस मध्य प्रदेश से चुराए गए थे। क्राइम 18 न्यूज के लिए आदित्य सिंह की रिपोर्ट। टीम है और छिबरामऊ थाने की टीम है। तो इन लोगों ने 4 अंतर राज्यीय चोर हैं जो कि ट्रैक्टर चोरी करते हैं, इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से 6 ट्रैक्टर बरामद हुआ है। बहुत सारे फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसके आधार पे ये ट्रैक्टरों को बेचते थे। इस गिरफ्तारी में जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनके नाम अशोक कुमार सिसोदिया, ये नवीन बस्ती थाना विदुना जनपद औरैया, आदित्य जाधव ये ग्राम टडा थाना छिबरामऊ, मकरंद यादव ये थाना विशुनगढ़ ग्राम मटैना, और आलोक कुमार यादव ग्राम कल्याणपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी। के स्वयं कागज बनाते थे कि कोई अधिकारी आपके विभाग का मिला हुआ है? इनके पास से जो अभिलेख मिले हैं तो उसके आधार पे अभी तक और पूछताछ के आधार पे ये पता लगा है कि इसमें एक ट्रैक्टर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से चुराई गई है, एक गोंडा की है, एक वाराणसी की है, और जो इनके पास से अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो इसको ये लोग नेट से डाउनलोड करके और उसमें टैम्परिंग करके और फिर उसी तरीके का बेज लगा करके उसको किसानों के पास ले जा करके बेच देते थे। तो ये कई राज्यों में गैंग ऑपरेट कर रहा था और इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने बिहार तक से ट्रैक्टर चोरी करवा करके और फिर अपने गिरोह के सदस्यों के साथ बेचा है। हम लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो उस जानकारी के आधार पे हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। इस काम में जो हमारी सर्विलांस की टीम है उसका बहुत बड़ा योगदान है, उनके पास से इनपुट ओरिजिनेट हुई, फिर टीम गठित की गई, उसमें क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ, थानाध्यक्ष छिबरामऊ और हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है और इनको 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। इसका सर, ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा है? ये 8-9 वर्षों से इनका कहना है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें इनको तो याद भी नहीं है, लेकिन 20-25 ट्रैक्टर चोरी करके बेचना बता रहे हैं। तो अभी और पूछताछ जारी ही है और उम्मीद करते हैं कि कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन हम लोग इनसे निकाल पाएंगे।